सर्वावतारी मंगलकारी अनुपम अभिनव जन मनहारी छवि उज्ज्वल और नाम सुपावन सर्वोपरि श्री स्वामी नारायण हमें क्षमा कर दो पुत्रियों, तुम्हारे दुख का कारण मैं हूं। हमें तो लगता है उस योगी महाराज ने हमें क्षमा ही नहीं किया है, अन्यथा वो इस तरह हमारी बेटियों को छोड़कर नहीं जाते। ऐसा मत कहिए महाराज, योगी राज ने आपको क्षमा कर दिया था, तभी तो वो हमारे अनुरोध पर यहाँ आए थे। अगर उन्होंने हमें क्षमा किया था तो हमारी बेटियों को ठुकरा कर क्यों चले गए? आखिर क्या कमी है हमारी पुत्रियों में? स्वामी, उनकी कोई व्यवस्था रही होगी। छोटी रानी, ये उनकी व्यवस्था नहीं, मेरी सजा है। मैं इस अपमान को अब और अधिक नहीं सह सकता। मुझे तो लगता है कि मैं इसी समय अपने प्राण को त्याग दूं। महाराज, तुम्हारे प्राण त्याग देने से तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं होगा राजन। अपितु तुम ऐसा करके अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ोगे। किंतु योगीराज, इसी कर्तव्य के अंतर्गत तो हमने आपको विवाह का प्रस्ताव दिया था, और आप बिना कोई उत्तर दिए यहां से भाग खड़े हुए। यही तो आपकी भूल है राजन, हम एक योगी हैं और जगत कल्याण के लिए निकले हैं। हमारा सारा जीवन अब इसी कार्य के लिए समर्पित हो चुका है। फिर हम विवाह करके गृहस्थ जीवन में कैसे प्रवेश कर सकते हैं? किंतु योगीराज, जगत का कल्याण तो गृहस्थ आश्रम का पालन करते हुए भी किया जा सकता है। अवश्य राजन, किंतु तब जो मनुष्य सन्यास जीवन को न अपनाए। परंतु हमने तो इसे अपना भी लिया है और अपने जीवन का उद्देश्य भी बना लिया है। फिर भला हमारे लिए विवाह प्रस्ताव की क्या मान्यता? किंतु देखिए राजन, प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में चार आश्रमों का पालन करना होता है। पहला ब्रह्मचर्य, जहां मनुष्य अपने ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपनी शिक्षा को पूर्ण करता है। दूसरा गृहस्थ, जहां मनुष्य विवाह करके अपना सांसारिक जीवन बिताकर अपने कर्तव्यों को पूरा करता है। तीसरा वानप्रस्थ आश्रम, जहां मनुष्य रहता तो अपने घर में ही है, किंतु अपने अधिकारों को त्याग कर ईश्वर का भजन कर समय बिताता है। और चौथा आश्रम है सन्यास, जब मनुष्य अपने समस्त अधिकारों और सुखों को त्याग कर वन में जाकर प्रभु की भक्ति करता है तो उसे सद्गति प्राप्त हो जाती है। किंतु एक योगी को इनमें से दो ही आश्रमों का पालन करना पड़ता है। अब आप ही बताएं कि मैं अपने ब्रह्मचर्य और सन्यास को भूलकर आपके प्रस्ताव को कैसे स्वीकार कर सकता हूं? हे राजन, हमारे लिए यही उचित है कि ना आप अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ें और ना ही हम।
मैं आपकी इन दलीलों को नहीं मानता योगीराज नीलकंठ। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि आप एक सर्वश्रेष्ठ पुरुष हैं और मैं आपको अपना दामाद बनाना चाहता हूँ। जिस तरह रेत, वायु और जल को मुट्ठी में नहीं बांधा जा सकता, उसी तरह एक योगी को किसी रिश्ते में नहीं बांधा जा सकता। इसलिए ये प्रयास मत करो, आपके हाथ कुछ नहीं आएगा। हम आपके किसी तर्क को नहीं मानते, आपको हमें अपनाना ही होगा। हाँ योगीराज, आपको हमारे साथ सांसारिक जीवन बिताना ही होगा। ईश्वर के बने इस संसार से भागकर कोई भगवान को पा नहीं सकता, आपको इस बात का अर्थ समझना ही होगा, वरना हम अपने प्राण त्याग देंगे। जो पारस के स्पर्श से ढाले स्वर्ण में लोह, वैसे ही प्रभु दर्श से काटे जगत। आप कौन हैं? हम पूर्ण पुरुषोत्तम स्वामी नारायण भगवान हैं। आंखें खुली राज हाथ छोटा, जीवात्मा को धर्म और ज्ञान का मार्ग दिखाने आए हैं। हम एक ऐसी जलधारा के समान हैं जो किसी एक जगह पर नहीं रुक सकती, हमें निरंतर बहते रहना है। इसी में जगत का कल्याण है और यही मेरे जीवन का उद्देश्य और कर्तव्य है, और इसके लिए मैंने इस धरती पर अवतार लिया है। और राजन, तुमने एक पिता होकर भी अपने कर्तव्य को नहीं पहचाना। बिना सोचे समझे अपनी पुत्रियों का विवाह प्रस्ताव मेरे सामने रख दिया, जबकि तुम ये भूल गए कि हम एक योगी हैं, जबकि तुम्हें अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए स्वयं ही अपनी पुत्रियों के लिए वर तलाशने चाहिए थे। स्मरण रहे राजन, गृहस्थ जीवन का यदि सबसे बड़ा दान कोई है तो वो है कन्यादान, जिसका पुण्य 1 करोड़ गायों के बराबर होता है। इसलिए अपनी कन्याओं के लिए उचित वर की तलाश करो, इसके लिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। मुझे क्षमा कर दीजिए सर्वेश्वर, मैं अपने कर्तव्यों से विमुख हो गया था। मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं स्वयं अपनी पुत्रियों के लिए वर ढूंढूंगा और अपने हाथों से कन्यादान करूंगा। हे राजन, आपके विवाह प्रस्ताव से आपकी पुत्रियों के मन में हमारा विचार आया है, इसलिए हम तुम्हें वचन देते हैं कि हम सदैव के लिए उनके हृदय में वास करेंगे। आप धन्य हैं प्रभु, आपने अपने दिव्य रूप का दर्शन देकर हमें अपने कर्तव्यों का ज्ञान करवाया है। अब हम अपने धर्म का पालन करते हुए अपने कर्तव्यों को निभाएंगे। नारायण, इस जगत का कल्याण करने वाले साक्षात सर्वपरि श्री स्वामी नारायण भगवान को कोटि कोटि प्रणाम। जो उन्होंने अपने ज्ञान दर्शन से इस राजा को अपना कर्तव्य ज्ञान दिया। परंतु देवर्षि, ऐसे तो अनेकों अनेक लोग इस धरती पर हैं जो सच्चे ज्ञान से विमुख होकर अज्ञान के अंधकार में फंसे हुए हैं। अंधविश्वास के जाल में ऐसे जकड़े हुए हैं कि धूर्त और पाखंडियों को ही अपना भगवान मानते हैं।
नारायण नारायण। परंतु इस धरा पर अब अंधविश्वास का कोई भी दीपक जलने वाला नहीं, और इसकी शुरुआत भी हो गई है। वो देखिए नीलकंठ को, जो इसी उद्देश्य से कामाक्षी देवी के मंदिर के सामने साधना में डूबे हुए हैं। नारायण नारायण। अरे ये कौन है भाई, इन्हें पहले तो इस गांव में कभी नहीं देखा। वेशभूषा से कोई योगी लग रहे हैं। हाँ भाई देखो ना कितना तेज है इनके चेहरे पर। चलो भाई कहीं अपनी बातों से इनका ध्यान भंग ना हो जाए। हाँ हाँ चलो चलो। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। वश में करके इसे सताया, आज तेरी खैर नहीं। तू चाहे जो कर ले, लेकिन मैं इसे छोड़कर जाने वाला नहीं हूँ। तू क्या समझता है मैं अकेला यहाँ आया हूँ? भूल जा, भूल जा, क्योंकि तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं अकेला नहीं हूँ, अकेला नहीं हूँ, और भी बहुत सारे हैं मेरे साथ, और भी बहुत सारे हैं। लंपट दोस्त, तू मुझे क्रोध दिला रहा है, पर मैं तुझे अंतिम चेतावनी दे रहा हूँ कि तू इसके शरीर को छोड़कर चुपचाप यहाँ से चला जा, वरना मैं तुझे इतनी दूर पहुँचाऊंगा कि तू प्रेत लोक का रास्ता भी भूल जाएगा। जाऊंगा, जरूर जाऊंगा, लेकिन अकेला नहीं, इसे भी साथ लेकर जाऊंगा। हट जा मेरे रास्ते से, हट जा। लगता है तू सीधी तरह से मानने वाला नहीं है। तू जानता नहीं कि मैं महाकाली का महा उपासक बीबैक हूँ। देख मैं तेरा क्या हश्र करता हूँ। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे, वरना मैं तुझे ही साथ लेकर जाऊंगा। तेरा अंत मैं यही कर दूंगा। तू हट जा मेरे रास्ते से, तू इसे मुझसे नहीं बचा सकता। मैं इसे साथ लेकर ही जाऊंगा। वो आएगा मेरे रास्ते में, बोल, ये आएगा मेरे रास्ते में, बोल, हट जा मेरे रास्ते से। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे ललकारे, मुझ पर वार करे, देखता हूँ तू अब क्या करता है।
छोड़ना तो तुझे मेरे सेवक को पड़ेगा। यदि तू अपनी जान की खैर चाहता है तो इसके शरीर को छोड़कर चुपचाप यहाँ से चला जा, वरना मैं तुझे यहीं भस्म कर दूंगा। बोल, तू जाएगा या नहीं? जाऊंगा, जाऊंगा। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। तो इसके शरीर को छोड़कर इस झोपड़ी में समा जा। काली उपासक फीडबैक की जय। काली उपासक फीडबैक की जय। आप धन्य हैं महाराज, आपने मुझे बचा लिया, आप धन्य हैं। प्रकोप है, प्रकोप है, इस गांव में भयंकर प्रेत आत्माओं का प्रकोप है। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? हम वही कह रहे हैं जो हमें दिखाई दे रहा है। आपको क्या दिखाई दे रहा है महाराज? विनाश, सर्वनाश। शमशान में चारों तरफ चिताएं ही चिताएं जल रही हैं। सारा गांव सूना हो चुका है। इस गांव में प्रेत आत्माएं आ चुकी हैं और उनकी दस्तक, जिनकी आहट हम सुन रहे हैं, जो एक एक करके सारे गांव वासियों को निगल जाएंगी, उनका भक्षण कर लेंगी। हे काली उपासक पीबैक, हमारी रक्षा करो। आप सालों से हमारी और हमारे गांव वालों की रक्षा करते आए हैं और हमने भी सिवाय आपके आज तक किसी और पर विश्वास नहीं किया है। फिर आपके होते हुए हम पर ये मुसीबत कैसे आ सकती है? मुसीबत कभी बोल कर नहीं आती, परंतु हम जानते हैं कि तुमने सालों से हम पर अपनी निष्ठा बना कर रखी है। यदि तुम सब लोग इस मुसीबत से छुटकारा पाना चाहते हो तो बस एक ही रास्ता है, और वो है माँ काली। अब काली माँ ही इस संकट से सबको निकाल सकती है। उन्हें प्रसन्न करना होगा, उन तक अपनी पुकार पहुंचानी होगी। हम तो साधारण मनुष्य हैं, भला काली माता तक हम कैसे पहुंच सकते हैं? लेकिन आप तो काली के परम भक्त हैं और उनके साक्षात दर्शन भी करते हैं, इसीलिए आप ही हमें इस मुसीबत से बचा सकते हैं। हाँ हाँ महाराज, आप ही हमें बताइए ना कि काली माँ हमसे कैसे प्रसन्न होंगी, वो हमारी रक्षा कैसे करेंगी। माता भोग मांगती है, धन का भोग, तन का भोग। वो कहती है बिना भोग तुम्हें इस संकट से छुटकारा नहीं मिल सकता, इसलिए आप लोग अपने घर जाइए और माता के भोग का प्रबंध कीजिए। जो धन का भोग नहीं चढ़ा सकता उसे अपने तन का भोग चढ़ाना होगा। पर याद रहे, याद रहे, जिस घर से भोग नहीं आएगा उस घर में मौत और बर्बादी का दंड होगा, दंड होगा। याद रहे, याद रहे, याद रहे, जिस घर से भोग नहीं आएगा उस घर में मौत और बर्बादी का दंड होगा, दंड होगा। उस घर में मौत और बर्बादी का दंड होगा, दंड होगा।
विनय किया तुमने, आज हम तुमसे बहुत खुश हैं। हम तो देखकर अचंभित रह गए। एक बार तो सच में ही ऐसा लगा जैसे अवश्य ही तुम पर कोई प्रेत का साया है। ये मेरा भाई है महाराज, आज ही गांव में काम की तलाश में आया है। तो समझो इसकी तलाश पूरी हुई, आज से ये मेरे लिए काम करेगा। इसके रहने का यही प्रबंध कर दो। जी महाराज। देखता हूं कि मेरा खाली खजाना कैसे नहीं भरता। जय माँ काली। जय माँ काली। आओ मदन। महाराज, मेरे परिवार की तरफ से ये छोटी सी भेंट स्वीकार करें। इसे स्वीकार करने वाली तो काली माँ है। जाओ, स्वयं जाकर काली माँ को अर्पण कर दो। जो आज्ञा महाराज। लक्ष्मी, काली माता को इन जेवरों की जरूरत नहीं है, बल्कि वो ढोंगी इन गांव वालों को डराकर माता के नाम का फायदा उठा रहा है। लेकिन मैं अपनी उम्र भर की कमाई ऐसे नहीं गवा सकती। लक्ष्मी, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? सारा गांव जानता है विवेक काली का उपासक है, वो जो कहता है वही होता है, और तू तू काली पर चढ़ाई भेंट वापस ले रही है? हाँ, वापस ले रही हूँ, क्योंकि ये भेंट काली माई को नहीं, इस दुष्ट की लालच को चढ़ाई जा रही है, जो मुझे मंजूर नहीं। और मैं आप सब लोगों से भी यही कहना चाहती हूँ कि इस गांव पर कोई भूत प्रेत का साया नहीं है। यदि ऐसा हुआ ना, तो वो दुष्ट भी मारा जाएगा, और ये ढोंगी, इस ढोंगी की बातों में मत आओ। बस लक्ष्मी, बहुत अपमान कर चुकी हो तुम महाराज का। यदि तुम इन्हें नहीं मानती तो मत मानो, मगर हम इनका अपमान नहीं सहन कर सकते। सारा गांव जानता है इनकी भविष्यवाणी कभी झूठी साबित नहीं हुई। उस कलावती के पति ने भी इनकी बात नहीं मानी थी, फिर क्या हुआ? ये तो सारा गांव जानता है। सारा गांव तो वही जानता है ना जो उस पाखंडी ने इन्हें बताया है, पर सच या तो फिर वो जानता है या वो पगली कलावती जिसका उसने सब कुछ छीन लिया, और वो पागल हो गई। बस लक्ष्मी, मदन ले जाओ इसे यहाँ से, वरना ठीक नहीं होगा। वैसे भी तुमने अपने आने वाली मुसीबत को निमंत्रण तो दे ही दिया। अब तुम्हारे परिवार का सर्वनाश होकर रहेगा। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, ना ही काली माँ और ना ही मैं। नहीं नहीं महाराज, ऐसा मत कहिए, वो तो नादान है, आपकी महिमा को नहीं जानती है महाराज, इसलिए आप कृपा उसकी भूल माफ कर दीजिए। माफी का तो अब सवाल ही नहीं उठता। तुम्हारी पत्नी ने बड़ी भारी भूल की है, इसका परिणाम तो तुम्हें भुगतना ही होगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपनी पत्नी को समझा कर वापस लाऊंगा, और वो जेवर भी आप पर भेंट चढ़ाता हूँ। वो आए या ना आए, पर हम देख रहे हैं कि विपदा और बर्बादी तुम्हारे घर के दरवाजे तक पहुंच गई है। जल्दी घर जाओ और अपनी बर्बादी का सामना करो। जाओ, जाओ। जय माँ काली, दुष्टों का नाश करने वाली।
आओ बच्चों, काली माँ का प्रसाद ले लो। प्यारे पापी, भाग यहां से, भाग, चला जा वरना मैं तुझे मार डालूंगी। भाग यहां से, भाग यहां से। ओम भगवते वासुदेवाय नाश हो तेरा, दिमाग के साथ साथ आंखें भी बंद हो गई हैं तेरी, देखकर नहीं चल सकती। आगे, वो आगे। उसे जो देखना था वो तो उसने देख लिया पुजारी जी, आप भला उसे क्यों डांट रहे हैं? आप हैं कौन महादेव और यहाँ क्या कर रहे हैं? हम एक योगी हैं और अपने प्रवास पर निकले हैं। यहाँ माता कामाक्षी देवी का मंदिर देखा तो सोचा कि कुछ दिन यहाँ रुक जाऊं। यदि आपको यहाँ रहना है तो यहाँ के काली उपासक पिविक से आज्ञा लेनी होगी। यदि उनकी अनुमति हुई तो ही आप यहाँ रह सकते हैं, अन्यथा किसी भी साधु या जोगी को यहाँ रहने की अनुमति नहीं है। बड़ा ही विचित्र गांव है आपका, जो एक साधु सन्यासी को अपने भगवान की आरती करने के लिए भी किसी साधक से अनुमति लेनी पड़ती है। यहाँ तो केवल उन्हीं का हुक्म चलता है, वही हमारे इस गांव के भगवान हैं। ठीक है पुजारी जी, हम उनसे भी भेंट कर लेंगे। हे भगवान, ये मेरे बेटी को क्या हो गया? बेटे उठो, अभी तो अच्छा खासा खेल रहा था। बेटा कुछ बोलो, बेटा बोलो, ये मूर्छित कैसे हो गया? आप यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हैं? जाइए, जाकर वैद्य को बुला कर लाइए। अब कोई वैद्य तुम्हारे केवल का उपचार नहीं कर सकता। ये काली माई का श्राप है, श्राप। काली माई का श्राप? हाँ, अभी कुछ देर पहले तुमने उनके उपासक पीबेक का अपमान किया था ना, ये सब उसी का परिणाम है। मैं नहीं मानती इस बात को, वो पाखंडी है, धूर्त है। वो धूर्त नहीं है बल्कि काली माँ का परम उपासक है वो। देखा, उन्होंने इधर कहा और हमारे यहाँ ये विपत्ति आ गई। मैं कहता हूँ मेरी बात मान लो, मेरे साथ चलकर उनसे माफी मांग लो, देखना सब ठीक हो जाएगा। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस पापी के सामने नहीं झुकूंगी। वो कोई भगवान नहीं है। लेकिन वो भगवान से कम भी नहीं है। सोच लो, अब भी वक्त है तुम्हारे पास, वरना तुम्हारी इस जिद के चलते मेरे बच्चे को कुछ हो गया ना तो मैं तुझे माफ नहीं करूंगा जिंदगी भर। हाँ, याद रखना तुम मेरी ये बात। ये मेरे बेटे को कहाँ लेके जा रहे हो तुम? छोड़ दो। काली के उपासक के पास, अब वो ही इसे ठीक कर सकता है।
मैं आपको अपने इस बच्चे को उस पाखंड के पास नहीं ले जाने दूंगी, नहीं ले जा सकता आप। अरे हट, बड़ी आई बच्चे पे झूठी हमदर्दी दिखाने वाली। महाराज, महाराज मेरे बच्चे को बचा लीजिए महाराज। देखिए ना इसे क्या हुआ महाराज, देखिए ना इसे क्या हुआ है। ये तो बहुत खेलता है महाराज, कभी ऐसे सोता नहीं है। केवल केवल बेटा उठ, उठ बेटा। महाराज कृपा कीजिए महाराज, कृपा कीजिए महाराज। तो आखिर बर्बादी ने तुम्हारे घर में प्रवेश कर ही लिया। महाराज मेरी पत्नी की भूल माफ कर दीजिए महाराज, वो नादान है, इसे बचा लीजिए, मेरे बच्चे को बचा लीजिए महाराज। मेरे जीने का बस यही एक सहारा है महाराज। बचा तो मैं लूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक उपाय करना होगा। कैसा उपाय महाराज, कैसा उपाय आप बताइए। मैं कुछ भी कर सकता हूँ अपने बच्चे की जान बचाने के लिए, मैं कुछ भी कर सकता हूँ महाराज, आप बताइए। तुम्हें कुछ नहीं करना है, सिर्फ तुम्हारी पत्नी को अपने पाप का प्रायश्चित करना होगा। आधी रात में पवित्र होकर, गले में पुष्प माला पहनकर उसे मेरे साथ काली माँ की सेवा करनी होगी, तभी तुम्हारे इस बालक के प्राण बच सकते हैं, वरना नहीं प्रेत इसे अपने साथ लेकर जाएगा। नहीं नहीं महाराज, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं भेजता हूँ उसे महाराज, वो जरूर आएगी, वो आएगी जरूर। मेरे बच्चे का सवाल है महाराज, वो जरूर आएगी। मैं भेजता हूँ उसे, अभी भेजता हूँ। आ गए हैं वो, आ गए हैं वो, जो तेरे पापों का अंत करेंगे। तुझे दंड देने वाले इस गांव में आ चुके हैं, आ चुके हैं, आ चुके हैं। सेवक, बाहर निकालो इसे। जी महाराज। चल चल पगली, निकल बाहर। चलो उठ और जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हें आज आधी रात को पीबेक महाराज के पास जाना है, काली माँ की पूजा करनी है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ठीक है, अगर तुम आज रात को पीबेक महाराज के पास नहीं जा सकती तो तुम इस घर में भी नहीं रह सकती हो। निकलो मेरे घर से, उठो। ऐसा मत कहिए स्वामी, मैं आपकी पत्नी हूँ, केवल मेरा भी बेटा है, मैं इसे इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकती। अगर तुम इसे अपना पुत्र समझती ना तो इसकी ये हालत देखकर तुम कभी इनकार नहीं करती, पर तुम माँ नहीं, डायन हो, डायन, एक लालची औरत जो अपने जेवर पाने के लिए मेरे बच्चे को मारना चाहती हो। चल निकल जा मेरे घर से, मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता। चल स्वामी, आपके आगे हाथ जोड़, ऐसा मत करिए, मुझे मेरे बेटे से दूर मत। मैं कहता हूँ निकल जा मेरे घर से, जो मेरे बच्चे की नहीं वो मेरी कुछ नहीं। स्वामी दरवाजा खोलिए, स्वामी मुझे मेरे बेटे से मिलने दीजिए, दरवाजा खोलिए स्वामी, दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए, मुझे मेरे बेटे से दूर मत करिए स्वामी। तुम्हें आज आधी रात को विवेक महाराज के पास जाकर काली माँ की पूजा करनी है।
अगर तुम इसे अपना पुत्र समझती ना समझती तो इसकी ये हालत देखो, तुम कभी इनकार नहीं करती नहीं करती। पर तुम माँ नहीं, डायन हो डायन, एक लालची औरत जो अपने जेवर पाने के लिए मेरे बच्चे को मारना चाहती हो। आ गई तुम, मैं जानता था तू जरूर आएगी। तेरा पुत्र मो तेरे घमंड को तोड़ देगा, तुझे मेरे कदमों में झुका देगा। पी लो इसे, पियो, ये मदिरा नहीं काली माँ का प्रसाद है, प्रसाद। इसे पीते ही तेरे मन के सारे विकार दूर हो जाएंगे, तू खुद बखुद काली माँ के सामने नतमस्तक हो जाएगी। तेरी पूजा से माता अवश्य प्रसन्न होंगी। चल पी जा इस प्रसाद को, पी जा पी जा पी जा पी जा पी जा। लक्ष्मी, तो ये सपना था? मैं तो समझा कि उसने सचमुच मेरे मुंह पे, लेकिन आधी रात होने को आई है, वो अभी तक आई क्यों नहीं, कहाँ रह गई? लेकिन वो जाएगी कहाँ, उसे तो हर हाल में मेरे पास आना ही होगा, आना ही होगा। हे भगवान, अब आप ही कोई राह दिखाइए, मेरी बुद्धि तो बिल्कुल काम नहीं कर रही है। एक तरफ पति का आदेश है, दूसरी तरफ मेरा आत्मसम्मान, मैं किसे चुनूं और किसे त्यागूं? मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? एक पति के आदेश की अवहेलना करती हूं अपने परिवार को खोती हूँ, और यदि यदि अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाती हूँ तो अपने ही अस्तित्व को खो देती हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करूं क्या करूं मैं? अब आप ही मुझे कोई राह दिखाइए, मैं किसे चुनूं और किसे त्यागूं? तू रो रही है, तू रो रही है। रोने से कुछ नहीं होने वाला, हंस, तू भी हंस। वो आ गए हैं, वो आ गए हैं, सबको हंसाने वाले वो आ गए हैं। चल चल, तू मेरे साथ चल, चल, मैं सच कहती हूँ, चल चल तू मेरे साथ। तुम किसकी बात कर रही हो? कौन आ गए हैं? वो वहाँ वहाँ मंदिर में बैठे हुए हैं, तू चल,
तू चल मेरे साथ, चल चल तू मेरे साथ, चल छोड़ो, चल चल तू मेरे साथ, चल चल मैं तुझे रास्ते में छोड़ दूँगी, चल। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। जा इनके पैर पकड़ ले, आ गए हैं, जा। भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। मेरे पुत्र को बचा लीजिए योगीराज, मेरी नारी अस्मिता को बचा लीजिए, मैं आपका ये उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगी, मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर दया कीजिए योगीराज, अपनी आंखें खोलिए योगीराज, अपनी आंखें खोलिए। क्या हुआ माते, आप इतनी विचलित क्यों हैं? मेरे पुत्र को न जाने क्या हो गया है, वो अपनी सुध-बुध खो चुका है और उसके प्राण संकट में है और वो दुष्ट पाखंडी पीबेक मेरे पुत्र को ठीक करने के बदले मेरी अस्मिता को भंग करना चाहता है। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं योगीराज, मैं क्या करूं? पुरुषोत्तम नारायणाय नमः। ओम पूर्ण पुरुषोत्तम नारायणाय नमः। सर्वावतारी मंगलकारी अनुपम अभिनव जन मनहारी, छवि उज्ज्वल और नाम सुपावन सर्वोपरि श्री स्वामी नारायण। पता नहीं लक्ष्मी लक्ष्मीबेग महाराज के पास गई होगी या नहीं, या नहीं। हे भगवान, हे भगवान, उस औरत की सोई हुई ममता को जगाकर उसे काली माँ काली बेग महाराज की शरण में भेजते हैं और मेरे पुत्र को बचा को बचा। अपने घर जाइए, आपका पुत्र आपकी राह देख रहा है, जल्दी जाइए, जल्दी कीजिए। तुम्हें यकीन हो गया होगा ना, काली के उपासक तिबेट महाराज कितने चमत्कारी हैं। देखा, उधर तुम उनके पास गई और इधर उन्होंने हमारे बच्चे को ठीक कर दिया। ना ही मैं उस ढोंगी के पास गई,
और ना ही ये चमत्कार उसका है, बल्कि ये चमत्कार तो उस योगी महाराज का है जो कामाक्षी देवी के मंदिर में बैठकर साधना करते हैं। क्या? हाँ केवल के बापू, मैं जो कह रही हूँ वही सच है। अब बताइए क्या अब भी आपका उस पाखंडी पर से अंधविश्वास उठा कि नहीं, या अब भी आप उसके फैलाए हुए अंधविश्वास में उलझे हुए हैं? बापू, कल मुझे पीबेक महाराज के एक सेवक ने काली माई के प्रसाद का एक लड्डू दिया था, जिसे खाते ही मैं बेशुद्ध हो गया। अब अपने बेटे के मुंह से उसके करतूते सुनकर तो जागिए और समझिए कि वो आदमी भोले भाले गांव वालों को भ्रमित कर कैसे काली माई के नाम पर लूट रहा है और अपने चमत्कारों का झूठा डंका पीट रहा है। वो कोई पंडित, उपासक या विद्वान नहीं है, बल्कि वो तो एक दूत पाखंडी है। परंतु अब उसकी काली करतूतों का अंत आ गया है। भगवान किसी दान दक्षिणा, ये 56 पकवान के भोग से प्रसन्न नहीं होते, वो तो भक्त की सच्ची भक्ति और उसकी पवित्र भावनाओं से प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि ईश्वर ही स्वयं दाता है और उसके भंडार में तो सब कुछ निहित है, जिससे वो मनुष्य को अपनी क्षमता के अनुसार सुख संपदा प्रदान करता है। फिर भला उन्हें किसी वस्तु की क्या लालसा? अतः हम उनकी दी हुई वस्तु को उनके ही चरणों में चढ़ाते हैं, ये तो उनका अपमान है। फिर हम दान दक्षिणा कैसे दें, कैसे अपना कल्याण करवाएं? परोपकार से। यदि आप अपने धन का कुछ हिस्सा दान करना ही चाहते हैं तो उसे परोपकार में लगाएं। किसी जरूरतमंद की सहायता करें, अगर कोई भूखा है तो उसे भोजन खिलाएं, कोई निर्वस्त्र है तो उसे कपड़े पहनाएं, किसी गरीब बालक को शिक्षा दीजिए या फिर किसी गरीब रोगी का उपचार करवाइए। आपके ऐसा करने से भगवान वो दान अपने आप स्वीकार कर लेते हैं और फिर उसी दान का आपको प्रतिसाद भी देते हैं। अतः आज से आप अपना अतिरिक्त दान परोपकार में लगाएं या फिर ऐसे दान पात्र में डालें जिसका उपयोग मानवीय और कल्याणकारी कार्यों के लिए किया जाता है। नीलकंठ महाराज की जय! नीलकंठ महाराज की जय! नीलकंठ महाराज की जय! महाराज, अब आपके डुगडुगी बजने का समय आ गया है, आप अपना बोरिया बिस्तर समेटिए और यहाँ से चलने की तैयारी कीजिए। क्या क्या बकवास कर रहे हो? जानते हो तुम क्या कह रहे हो? जानता हूँ, इसीलिए आपको सूचित कर रहा हूँ। कामाक्षी मंदिर के बाहर नीलकंठ नाम का योगी आपके खिलाफ लोगों को भड़का रहा है। लगता है उस योगी का बुरा वक्त आ गया है, जो मरने के लिए इस गांव में चला आया है। चलो चलो। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात कहाँ है, कहाँ है वो धूर्त योगी जो गांव के भोले भाले लोगों को मेरे चमत्कारों के खिलाफ भड़का रहा है? ओ, तो तू है, अब बोलता क्यों नहीं? क्या तुझे सांप सुन गया है? बोल, जवाब दे, वरना काली माँ तुझे यही भस्म कर देगी। काली माई इन्हें नहीं, तुझे भस्म करेगी दुष्ट, क्योंकि तू पाखंडी है,
तूने इन भोले भाले गांव वालों को अंधविश्वास की बेलियों में जकड़कर इनका फायदा उठाया है। अरे मूर्ख औरत, तू मेरी शक्तियों को नहीं जानती। अगर मैं चाहूँ तो तुम सबको यही मिट्टी में मिला सकता हूँ। पर तुम जिस योगी के बहकावे में आकर मेरा पान कर रहे हो, मैं पूछता हूँ, है इसके पास कोई ऐसी शक्ति, कोई ऐसा चमत्कार जो ये दिखा सके? बड़ा घमंड है तुम्हें अपनी शक्तियों पर। यदि ऐसा है तो फिर तुम्हारी और योगी राज की शक्तियों का सामना हो ही जाए। ये कल का छोकरा हमारे गुरुदेव का क्या मुकाबला करेगा? फिर भी यदि तुम लोग गुरुदेव की शक्ति पर इस बाल योगी की बलि चढ़ाना चाहते हो तो तुम्हारी इच्छा। पूर्ण पुरुषोत्तम सर्वोपरि श्री स्वामीनारायण भगवान कहते हैं कि किसी भी मनुष्य को अपने पद का अभिमान कर अपने अधीन लोगों पर अन्याय नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य अपने लिए शत्रु को जन्म देता है। इसलिए अपने अधीन लोगों को प्रेम और स्नेह दो और उन्हें अपना मित्र बनाओ। ऐसा करने से आपका जीवन सहज सुलभ होगा और आप लोकप्रिय बनेंगे। जय श्री स्वामीनारायण।